हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में बता मैकेनिकल क्लब में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी अलग अलग आपके कंपोनेंट्स होते हैं कॉस्ट की एस्टीमेशन करने के लिए। उन सारे कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक एक कंपोनेंट का क्या क्या रोल होता है हमारे कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर, और कैसे कॉस्ट एस्टिमेशन जो है टोटल निकाली जाती है अलग अलग कंपोनेंट्स को अपना स्टडी करके। तो हमारे टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट्स आता है वो आता है आपका डिजाइन कॉस्ट। डिजाइन कॉस्ट क्या होता है कि लाइक हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी डिजाइनिंग करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसके ऊपर कितना खर्च आएगा। अगर तो कोई हमारा पुराना प्रोडक्ट है उससे मिलता जुलता हमारा ये प्रोडक्ट है, तो हम उससे जो टोटल उसको बनाने उसका डिजाइन बनाने में जितना हमारा टाइम लगा था उसी टाइम को इसमें देख लेंगे, और जो हमारा टोटल टाइम कंज्यूम्ड हुआ है उसको हम जो इसका पर आवर का रेट है, रेट पर आवर, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है टोटल डिजाइन की कॉस्ट है वो निकल के आ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद अगर हमारा जो कंपोनेंट है वो कॉम्प्लिकेटेड है और उस पर ज्यादा डिजाइनिंग पे टाइम लगेगा और हमारे पास पुराना ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बाहर किसी कॉन्ट्रेक्टर से बनवा सकते हैं या फिर उसका एस्टिमेट ले सकते हैं कि टोटल कितना टाइम इसको बनाने में लगेगा। तो सिमिलरली उसका जो हमारा आउटसाइड कॉन्ट्रेक्टर का जो भी रेट होगा उससे हम टोटल टाइम कंज्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हमारा टाइम लगेगा उस हमारी डिजाइन की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। सेकंड फ्रेंड्स हमारा जो आता है वो फैक्टर है इंजीनियरिंग कॉस्ट में। इंजीनियरिंग कॉस्ट में हमारे पास क्या चीज आ जाती है, लाइक हम लोग इसके मॉडल्स तैयार करेंगे, ओके, इसकी सिमुलेशन करेंगे, उसके इसकी पार्ट ड्राइंग्स बनाएंगे, अलग अलग टाइप की इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, इसके अगर हमारे पास एमजी का काम हो रहा है तो उसके अलग अलग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स तैयार करेंगे, वो सारा कुछ आपका इंजीनियरिंग कॉस्ट के अंदर आ जाता है। उसका भी हमारे पास लाइक जैसे हमारे पास डिजाइन की कॉस्ट का टोटल टाइम होता है, ऐसे हमारे पास इंजीनियरिंग की कॉस्ट का भी एक रेट दिया होता है, उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट पर आवर से इंजीनियरिंग का जितना हमारा टाइम लगेगा उसको, तो भी वो हमारे पास टोटल आपकी जो है इंजीनियरिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारे यहाँ जो आ जाता है वो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स एक बात मैं बता देता हूँ आप लोग को, जिसको हिंदी समझ नहीं आती वो इस वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकता है, मेरे चैनल के ऊपर ये सेम वीडियो आपको इंग्लिश के अंदर भी मिल जाएगी। ओके, तो अब हम लोग जो है कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बताते हैं। तो ये जो कॉस्ट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट की कॉस्ट होती है ये कैसी भी हो सकती है, मतलब थ्योरेटिकल भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल, डेवलपमेंटल, और जो हम प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, टोटल चीजें जो भी चारों काम करने के अंदर हमारी जो कॉस्ट लगती है वो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। क्या क्या चीजें हमारी, जैसे थ्योरेटिकल कॉस्ट होगी आपकी, एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट होगी, प्रोटोटाइप प्रिपरेशन कॉस्ट होगी, उसके बाद आपकी टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, ये सारी जो आती है आपकी कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। तीन फैक्टर्स कर लिए, चौथा फैक्टर होता है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर कितना मटेरियल यूज हो रहा है, क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है, वो जो हमारी कॉस्ट होती है वो हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर उसको डालना पड़ता है। तो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, सबसे पहले तो ये हमें डिजाइन से पता लग जाता है कि हमारा कितना जो है मेटल जो है वो यूज हो रहा है, किस टाइप का मेटल यूज हो रहा है, कितने अमाउंट में यूज हो रहा है, कितना हमें टोटल चाहिए और कितना उसके अंदर से स्क्रैप निकलेगा। जो भी हमारा स्क्रैप की कॉस्ट होती है उससे हमारा जितना स्क्रैप का मेटल निकलेगा, जितना वेट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और स्क्रैप कॉस्ट को टोटल मेटल कॉस्ट में से बाद में से हम माइनस करते हैं जब भी हम फाइनल कॉस्टिंग शीट को तैयार कर देते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये आपको चार फैक्टर्स मैंने बता दिए हैं जो आपके किसके हैं, कॉस्टिंग के कंपोनेंट्स, कॉस्ट एस्टिमेट के जो आपके कंपोनेंट्स हैं, इसके चार फैक्टर आपको बता दिए हैं। अब चार फैक्टर्स रह गए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कॉस्टिंग के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। फ्रेंड्स कुछ भी समझना आए आप किसी भी टाइम मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है फिफ्थ फैक्टर, कॉस्ट ऑफ लेबर। जो भी हमारी लेबर जो है वो यूज हो रही
है मेटल को बनाने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो भी हमारा डायरेक्ट लेबर टाइम लग रहा है, डायरेक्ट लेबर टाइम टू मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट, डायरेक्ट लेबर टाइम को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेट पर आवर से। हर कंट्री के, हर स्टेट के अलग अलग रेट्स होते हैं लेबर के, एक घंटे के हिसाब से। तो हम ये वहां से निकाल लेंगे। ये किस किस चीज के ऊपर आपका डिपेंड करेगा, ये आपका डिपेंड करेगा कि आप कैसा ऑपरेशन जो है वो करवा रहे हैं, मीन टू से दैट कौन सा प्रोसेस चल रहा है। लाइक वो रिस्की प्रोसेस है ज्यादा तो रिस्क रिवार्ड दिया जाएगा, अगर कम रिस्की है तो कम रिस्क रिवार्ड दिया जाएगा। आपकी जो लेबर है वो किस टाइप की है, लाइक स्किल लेबर है या फिर अनस्किल्ड लेबर है, ठीक है, और कितने टाइम तक कौन काम कर रहा है, लाइक सीएनसी पे कर रहा है, मैनुअल मशीन पे कर रहा है, ऑटोमेटिक पे कर रहा है, ये सारे किस टाइप की मशीन यूज कर रहा है, किस टाइप के वो टूल्स यूज कर रहा है, ये सारी जो कॉस्ट आपकी जो आती है लेबर की कॉस्ट के अंदर आ जाती है। इस हिसाब से जो भी लेबर के वेजेस हैं वो आपके वेरी करते हैं। इसके बाद आपके आ जाता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में क्या आ जाता है कि जो भी आप गुणवत्ता अपने कस्टमर को दे रहे हैं उसके अंदर जो भी आप खर्चा कर रहे हैं उस चीज को बनाए रखने के लिए, वो आपका कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ इंक्लूडिंग के अंदर आपके जो इंस्पेक्शन पे आप खर्चा कर रहे हैं, इंस्पेक्शन टूल्स पे जो खर्चा हो रहा है आपका, जो भी आप अलग अलग कंट्रोल चार्ट्स बनाते हैं या फिर मेंटेन करते हैं उसके ऊपर जो आपका खर्चा आता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप और ज्यादा फाइन या अच्छी बनाने के लिए जो भी इंप्रूवमेंट करते हैं उसके अंदर, उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो सारा कुछ आपका कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के अंदर आ जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका टूलिंग कॉस्ट। टूलिंग कॉस्ट फ्रेंड्स, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि टूलिंग कॉस्ट क्या होती है और टूलिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है। तो टूलिंग कॉस्ट के अंदर हम बेसिकली सबसे ज्यादा क्या आता है आपका, टूल की कॉस्ट आ जाती है। जितने भी आपने टूल्स यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मशीन से टूल्स की बात हो रही है, जो भी आप जिग्स एंड फिक्सचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एक टूलिंग टूल्स मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो भी इसके अंदर आ जाएगी। जो भी आप टूल्स को शार्प करने के लिए शार्पनिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपका टूलिंग कॉस्ट के अंदर आ जाता है। जो भी कटिंग फ्लूइड का आप इस्तेमाल करते हैं कि वो भी एक तरीके का टूलिंग को हेल्प करता है, टूलिंग की लाइफ में हेल्प करता है, तो ये भी एक आपका टूलिंग कॉस्ट के अंदर आ जाता है। इन सब कॉस्टों को छोड़ के जो बाकी आपकी कॉस्टें रह जाती हैं वो आ जाती है आपकी ओवरहेड कॉस्ट के अंदर। तो ओवरहेड कॉस्ट के अंदर ऐसी कुछ स्पेसिफिक अलग से चीज नहीं होती है, सबसे लार्जेस्ट कॉस्ट का कंपोनेंट होता है हमारा, सबसे ज्यादा खर्चा इसी के अंदर आ जाता है, लार्जेस्ट कॉस्ट कंपोनेंट। ये बेसिकली एक प्रोडक्ट का हम बता नहीं सकते, ये बेसिकली जो भी प्लांट के अंदर ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो सभी चीजों के लिए सिमिलर होती है, लाइक जो आपका रेंट रेंट होएगा प्लांट का वो चीज होगी आपकी, लाइक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, कोई मशीन खराब होगी तो मेंटेनेंस वाले इस डिपार्टमेंट के लिए भी काम करेंगे, दूसरे के लिए भी काम करेंगे, लाइक जो आपके प्लांट का प्रॉपर्टी का टैक्स है, जो भी इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीजें जो होती है आपकी ओवरहेड की आ जाएगी। लाइक आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज होगी, एचआर की सैलरीज होगी, ये सारा कुछ आपका ओवरहेड के अंदर ही काउंट हो जाता है। तो फ्रेंड ये आपको टोटल मैंने कॉस्ट एस्टिमेट के जो कंपोनेंट्स थे वो सिखाए हैं, आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और अगर कोई आपको डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।